अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाइफस्टाइल विद शमा विच तुहाडा सारिआं दा वैलकम। लाइफस्टाइल विद शमा विच तुहाडा सारिआं दा वैलकम करदे हां। ते अज दे व्लॉग विच असीं बना रहे हां दाबड़ा। जिदां कि तुसीं जानदे हो कि सर्दियां जो है स्टार्ट हो चुकियां, ते अज असीं जिहड़ा ना सर्दियां वास्ते बनाना है बेसन दी बर्फी। ते बेसन दी बर्फी जिहड़ी है साडी अम्मी किस तरीके नाल बनांदी है तुहानूं अज दी वीडियो विच कंप्लीटली शेयर करांगे इहदी पूरी रैसिपी। देसी घ्यो विच अज असीं बेसन दी बर्फी बनानी है। ऐ असीं देसी घ्यो लिया, देसी घी दे विच जिहड़ा ना बर्फी बना के अज स्पैशल बेसन दी बर्फी जिहड़ी है ना अज अपने वीर वास्ते बना रही हां। ते वीर मेरा सौदिया है, ते अपने वीर नूं असीं अज बर्फी बना के सौदिया भेजनी है। ते सर्दियां दा इह तोहफा हुंदा और मोस्टली साडे घर विच इह बर्फी जिहड़ी है मोस्टली साडे घर विच बनाई जांदी है। ते अम्मी साडे इह बर्फी बनाउण च बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। तो बेसन की बर्फी बनाने वास्ते असी कि चीज़ा लिया सारिया तेरे सामने। चीज़ा की क्वांटिटी जी है, चीज़ा की मकदार वो तुसी अपनी मर्जी ना लैनी है। तो बाकी जरा ना बेसन जिस तरीके असी बनाने वो तरीका जो अज की वीडियो कोशिश करा कि तुम सारे उस तरीके से समझ आए और इस सर्दियाँ तुम साड़ी वीडियो वेख के सेम इस तरह का बेसन बनावो। तो सब तो पहले असी लिया हुआ देसी घी अम्मी कि डेढ़ किलो असी देसी घ्यो लिया। तो ऐसी चीनी ली है अम्मी, चीनी किन्नी बराबर की चीनी को थोड़ी जी विचों घट कर लगा। जिन्ना असी देसी घ्यो लिया उन्नी असी चीनी ली है। तो असी बेसन लिया, बेसन भी डेढ़ किलो ही असी बेसन लिया। ये बराबर दी चीज़ा जी तीनों लिया। बाकी जो मेवे इस तुसी अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी जिस तरीके ना तुसी ज़्यादा पसंद करते हो ज़्यादा पा लो, थोड़े पसंद करते हो थोड़े इस्तेमाल कर लो। ये असी इस तरीके ने लैने। मिठा अम्मी कह रहे हैं कि चीनी जी है तुसी थोड़ी कम भी कर सकते हो बराबर की मकदार नालों, तो इन्नी भी रख सकते हो। असी मीठा जिहड़ा थोड़ा तेज खाने इसलिए असी बराबर का ही पावांगे। तुसी थोड़ा हल्का करना चाहो हल्का भी कर सकते हैं। यह सारा मटीरियल है। तो इहदा अज असी बेसन जिहड़ा अम्मी दे तरीके दे नाल तुहानूं नाल नाल शेयर करांगे किन्नी किन्नी मकदार नाल किदां किदां बनाउणा है। तो चुल्हे च अग असी जला लई है। तो देसी घी जिहड़ा है असी रख दिता चुल्हे दे उपर। तो हुण जिदा जिदा ही बनेगा तुहानूं नाल नाल शेयर करांगे। घी जिहड़ा है साडा आस्ता आस्ता गर्म हो रहा है। घी थोड़ा ज़्यादा है इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। सर्दियों के घी जिहड़ा वह भी जमया हुआ होंदा। तो घी नूं असीं गर्म करन तों बाद इहदे विच बेसन जिहड़ा ना वह ऐड करना। घी साडा थोड़ा गर्म हो चुका है। हुण असीं इहदे विच बेसन जिहड़ा उह पा दांगे। इस तरह बेसन जिहड़ा सारा इहदे विच पल दांगे। बेसन नूं असीं देसी घी विच उन्नी देर भुनना जिन्नी देर बेसन की अच्छी खुशबू ना आउण लग पवे। ते बेसन जिहड़ा वा कि उह हल्का हल्का घी जिहड़ा वा छड्ड ना दवे। इन्नी देर तक असीं इहनूं भुनांगे। ਇਹਦੀ ਭੁੰਨਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੁੰਨਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬੇਸਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਚੁੱਕਿਆ ਬਹੁਤ ਇਹਦੀ ਅੱਛੀ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ।
और बेसन का कलर जरा वो चेंज हो गया। तो हम असं नीचे उतार लवेंगे, थोड़ी देर इतने असं हिलावे, देख रहे हो घी भी छड़ देता है और अच्छी जी खुशबू आने लग पी है बेसन की। तो हम असी नीचे उतार लवेंगे, बेसन सा अच्छे तरीके भुज चुका है, असं उतार के नीचे रख दिता है। थोड़ी देर लिए चम्मच हिलावे ताकि नीचे जरा ना वो ज़्यादा ना हो जाए। सारे मेवे जड़े असी भुजे हुए बेसन दे विच सारे मेवे ऐड कर देंगे। इदा ही गिरी अखरोट बादाम एंड ते आ गई सोगी। यह सारे मेवे जड़े असी इन ऐड कर दते भुजे हुए बेसन के इदी मेवे ऐड कर देंगे। गर्म गर्म बेसन के मेवे जड़े है ये अच्छे तरीके खुद ही मतलब भुज जाएंगे, इन्हों भुनने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह ही असी इनू कर देंगे साइड पर। तो हूँ असं लवेंगे एक अलग बर्तन कढ़ाई ले ली असी, हूँ असं ये चाशनी तैयार करनी। चाशनी तैयार करने वास्ते पानी असं ये पावे, कि पानी पैना हमें एक प्याली किलो दे। किलो अगर ता बेसन है अपना 1.5 किलो बेसन, 1.5 किलो नहीं 2 किलो, 2 किलो बेसन है। तो इन असी 2 प्यालियां जिहड़ियां ना पाइया पाया दी असी इहदे विच पानी दीआं पा लईआं। असी चीनी जिहड़ी पहिलां दिखाई है वह असी इहदे विच ऐड कर दित्ती। असी हुण इहदी चाशनी तैयार करांगे। आ चाशनी तैयार हो रही है, जिद्दां साडी चाश तैयार हो जाएगी असी बेसन दा जिहड़ा बाकी मटीरियल तैयार कीता है इहनूं इहदे विच असी पलट देवांगे। ये चाशनी साड़ी जी है बिल्कुल तैयार हो गई। हम असी इन्हें देखो किस तरह डिप किया, चाश जी असं इस मटीरियल पलट दी है। हम इसे अच्छे तरीके से हिलावे, सारी चीज़ा आपस मिक्स करा। अज की रेसिपी जी है मेरे सोदिया वाले वीर के नाम स्पैशली उन्होंने भेजनी है, असं बेसन बना के अस सोदिया भेजना। तो वेखो तेरे सामने मशरूम किन्ना डिलीशियस बेसन जरा तैयार हो जाएगा। थोड़ी देर असं इंजी हिलाते रहेंगे ताकि आहिस्ता आहिस्ता इन्हें थोड़ा हार्ड होना थोड़ा सख्त होना। तो थोड़ी देर हिलाने तो बाद असं परात कढ़ लवेंगे, परात खुले मुँह वाले लैके तो ताकि उनके असं दलिया बना ली। इस खुले मुँह वाले बर्तन लै लें, हम असी यह वाला जरा बेसन बनया हुआ असं उनके पलट देवे। परात दे विच पाउण तों बाद असीं इहनूं थोड़ी देर हिलावांगे, एक दो दफा असीं इहनूं हिला दांगे इहदे विच। उस तों बाद इहनूं बिल्कुल इको सिमत विच कर दांगे।
इस तरह असीं बिल्कुल सजा कर देंगे एको सीमत विच, उस तो बाद असीं इहदियां टुकड़ियां कटांगे बड़ियां बड़ियां नहीं छोटियां बड़ियां सख्त। वही तोड़ रही यार, मैं हूं आधा हिस्सा नहीं करना बिचो जेरी आंट तो तोड़ रहे हो तेरा हिस्सा। एंड दिस इज लास्ट, इसको हम ऐसे करेंगे फिर इसकी ऐसे कटाई करेंगे। काफी जोर लग रहे हैं बहुत। क्यों हो गया को ये चीज और दूसरी साइड ये चलते हैं। और ये बादाम